देखिए यहाँ का इंजीनियर टेम्परेचर ट्रांसमीटर को कैसे खोल रहे हैं टेस्टिंग करने के लिए, मैं आपको सब कुछ ये टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कैसे टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं इसका डिस्प्ले खोल देता हूँ। देखिए यहाँ का डिस्प्ले सब खुला हुआ है और जितना भी ट्रांसमीटर है उसका डिस्प्ले मैंने खोल चुका हूँ। डिस्प्ले इसमें इसीलिए हटा दिया हूँ कि क्योंकि इसमें लूप के लिए एक तार लगाना है, जो कि ये सेंसर देखिए इसमें सेंसर लगी है जो कि थर्माकपल लगी है और RTD कैसे लगाते हैं, और यहाँ पर देखिए डायग्राम है RTD और थर्माकपल के लिए, उसी पॉइंट पे आपको थर्माकपल और RTD लगाना है। मैं आपको इसका डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में बना के, इसके सारे कनेक्शन और उसके पावर सप्लाई कैसे देते मैं सब कुछ आपको डायग्राम करके मैं बता दूंगा। हाँ फ्रेंड्स, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और भी प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, ये देख रहे हो टेम्परेचर ट्रांसमीटर तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे कैलिब्रेशन करते हैं, और टेम्परेचर कंट्रोलर और भी बहुत सारा वीडियो की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग वो लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरा चैनल विजिट करके वो सब सारे वीडियो आप देख सकते हैं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चलिए ये देखिए रोज माउंट का ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले उसमें फिट किया जाता है। इसमें देखिए इसमें पिन टाइप का होता है, ये पिन को जब इस डिस्प्ले को इसमें खींचोगे तो वो निकल के आ जाता है। अभी ये जो है ये थर्माकपल है, थर्माकपल इसी टैंक में लगा गया है, और ये थर्माकपल की दो पॉइंट होती है जो कि इसमें कनेक्टेड है। ये जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर आप देख रहे हो इसमें कनेक्टेड है, वो इसमें टेम्परेचर दिखाएगा इसमें कितना डिग्री सेल्सियस है। देखिए ऊपर में जो दो नंबर और तीन नंबर है उसी दो तीन नंबर पर ये जो थर्माकपल की कनेक्शन लगाया गया है। चलिए मैं अभी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर का ये जो इंटरनल कनेक्शन डायग्राम मैं कर रखा हूँ, और ये जो है थर्माकपल है, फर्स्ट मैं आपको इसके साथ कनेक्शन करके दिखाऊंगा। ये डायग्राम में कैसे कनेक्शन होते हैं वो कनेक्शन करने के बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए फर्स्ट मैं दिखा देता हूँ। ये जो है ये सेंसर कनेक्शन करने के लिए है जो कि RTD और थर्माकपल लगा सकते हो। या इसके साइड में एक डायग्राम होता है कहाँ RTD और थर्माकपल लगाना है, लेकिन मुझे पता है ये जो 1, 2 और 3 नंबर पे ये थर्माकपल की कनेक्शन डायग्राम है, ये थर्माकपल यहाँ लगाना चाहिए। और ये जो 1, 2, 3 में आप RTD, अगर 3 वायर वाला RTD होगा तो आपको 1, 2, 3 में लगाना है, और अगर 4 वायर वाला RTD होगा तो आपको 1, 2, 3, 4 में लगाना है। और ये जो है ये दो पॉइंट में पावर सप्लाई देते हैं, 24 वोल्ट की पावर सप्लाई। ये जो है SMPS से मैं 24 वोल्ट पावर सप्लाई इसको दे देता हूँ। देने के बाद ये जो RTD सॉरी ये जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर ऑन हो जाएगा। इसका डिस्प्ले अलग से एक होती है, और वो डिस्प्ले को आप इसके साथ अटैच करोगे तो ऐसे लगाओगे तो पुश करोगे तो वो आपको रीडिंग दिखा देगा, उसे मैं आगे में बताऊंगा। और ये जो ट्रैक्स है, ट्रैक्स भी कैसे काम करते हैं और कैसे लगाते हैं हार्ड से मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये जो ट्रैक्स है, ट्रैक्स को हमेशा पावर सप्लाई एक्रॉस में लगाना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव लगाना है, आप ऐसे देख के लगाना चाहिए। ट्रांसमीटर में ये साइड में एक अलार्म लिखा होता है, उसके बगल में एक स्विच होती है, उसको डीप स्विच कहते हैं। और जो डीप स्विच में आपको हाई और लो लिखा होता है। हाई का काम ये है कि अगर आपका ट्रांसमीटर 100% है तो आपको 20 mA दिखाएगा, अगर आप लो पे सेट करोगे तो आपका 100% है तो अगर आपका ट्रांसमीटर 100% है तो आपको 4 mA और बिलो 4 mA दिखाएगा। ये इसका डीप स्विच का मेन काम है। ये जो टेम्परेचर कैलिब्रेटर देख रहे हो, इसी टेम्परेचर कैलिब्रेटर से मैं टेम्परेचर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करूँगा। इसी से मैं टेम्परेचर की सिग्नल टेम्परेचर ट्रांसमीटर को दूंगा, उसमें इसमें कितने देने पे उसमें कितना दिखा रहा है वही हमें चेक करना है। और आपको थर्माकपल की सेटिंग आपका टेम्परेचर ट्रांसमीटर है तो आपको इसमें TC यानी कि थर्माकपल पे प्रोप लगाना है, अगर आपका सेटिंग RTD पे है तो आपको RTD के लिए ये प्रोप लगाना है। अगर आपका ट्रांसमीटर है उसका रेंज है 0 to 1200 यानी कि 1200, आपको सबसे पहले 25% 0 पे तो आपको चेक करना है, उसके बाद 25%, 50%, 75% और 100%, ऐसे 4 स्टेप में आपको करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको 4 स्टेप से आपको कैलिब्रेट करना है। जैसे कि मैंने बताया था ड्राइंग में हार्ट कम्युनिकेटर के बारे में, ये हमारा हार्ट कम्युनिकेटर यानी कि ट्रिक्स है। इसी से मैं जो ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करूँगा,
इसमें ट्रांसमीटर की सारे कॉन्फ़िगरेशन इसमें दिखा देगा और उसका सेटिंग वगैरह सब कुछ इसमें दिखा देगा। अगर जीरो ट्रिम करना है, ज़्यादा एरर है तो इसमें जीरो ट्रिम और भी बहुत सारा सेटिंग होते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कनेक्शन कैसा करना है। ये देखिए अभी लीड है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। मिलियम मतलब अगर आपको कंट्रोल वाल्व कैलिब्रेशन करना है तो आपको मिलियम पे लगाना है। अगर आपके पास पावर सप्लाई नहीं है तो देखिए यहाँ पर हार्ट प्लस पावर है, इसमें देना है। अगर आपके पास 24 वोल्ट सप्लाई है तो आपको सिर्फ हार्ट में लगा के उसमें कनेक्शन करना है। ये हार्ट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, सारा सेटिंग सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। अभी चलिए मैं टेम्परेचर ट्रांसमीटर कैसे कैलिब्रेशन करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए वो जो हार्ट का जो दो पॉइंट है, जो दो लीड है, अभी मैं पावर सप्लाई के साथ लगा दूँगा। चलिए अभी मैं लगा देता हूँ इसमें जो दो लीड है। अभी आपको इसमें देख के लगाना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाना है और नेगेटिव को नेगेटिव में लगाना है। देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, देखिए आपको पॉजिटिव में पॉजिटिव लगाना है और नेगेटिव को नेगेटिव लगाना है। जैसे कि मैंने ड्राइंग में बताया था, जो अलार्म एक साइड में लिखा होता है जो डीप स्विच के बारे में, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए ये साइड में देखिए एक डीप स्विच के बारे में मैंने जैसे बताया था, ये जो है ये थर्मोकपल की कनेक्शन है जो कि मैं ड्राइंग में आपको बताया था। और RTD थर्मोकपल के लिए यहाँ पर ड्राइंग किया गया है। ये जो साइड देखिए जैसे अलार्म के बारे में मैं बताया था, लो और हाई डीप स्विच है। और यहाँ डिस्प्ले कनेक्शन किया जाता है। चलिए अभी मैं दिखा देता हूँ, अभी इसको कनेक्ट करता हूँ। देखिए इसमें फील्ड कम्युनिकेटर के ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने से आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन इसमें सब कुछ आ जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको टेम्परेचर कंट्रोलर, प्रेशर ट्रांसमीटर, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर और भी बहुत सारा वीडियो की लिंक मैंने दे रखा हूँ, आप उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अभी इसको ऑन होने देते हैं। अभी इसमें प्रेजेंट टेम्परेचर कितना है और उसमें जो भी मिलियम्स कितना आउटपुट है, अभी इसमें सब कुछ दिखा देगा। देखिए अभी इसमें 4.417 मिलियम पर आउटपुट दिखा रहा है, अभी 31.361 इसमें दिखा रहा है टेम्परेचर। आपको कैलिब्रेशन करने के लिए इसे ट्रांसमीटर में जो RTD और थर्मोकपल के कनेक्शन की उसको निकाल के हमारा जो टेम्परेचर कैलिब्रेटर में दो पॉइंट जो है उसमें लग पड़ेगा। चलिए मैं आपको उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, उसको कैसे लगाते हैं और उसमें कैसे टेम्परेचर सिग्नल देते हैं मैं सब कुछ आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए मैंने इसमें लगा चुका हूँ। देखिए ये जो है सेंसर की दो पॉइंट जो कि थर्मोकपल की था, वो थर्मोकपल वाली दो पॉइंट मैंने हटा दिया हूँ। अभी यहाँ लूप के लिए दो तार लगा के मैंने अपना टेम्परेचर कैलिब्रेटर से इसको टेम्परेचर सिग्नल उसमें इंजेक्ट करूँगा। देखिए अभी लगा दिया हूँ। अभी इसमें हार्ट को भी कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैंने अपना जो टेम्परेचर कैलिब्रेटर से मैं इसमें 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सिग्नल दूंगा। इसमें कितना दिखाता है मैं दिखा देता हूँ। देखिए अभी 300 पे अभी 295 कुछ समथिंग दिखा रहा है। अभी देखिए अभी इसमें 300 डिग्री सेल्सियस के सिग्नल में दे रहा हूँ। देखिए इसका कनेक्शन और देखिए इसमें 295.521 दिखा रहे, 7.94 मिलियम्स इसकी आउटपुट है। अभी इसमें ज़्यादा 5-6 डिग्री की एरर है, इसके बाद जीरो करके इसको ट्रिम करना होगा, तभी इसमें इसका जो ट्रांसमीटर में जो भी एक्स्ट्रा सिग्नल है उसको इरेज करके हमें उसे कैलिब्रेशन करेंगे। अभी मैं वो सब नहीं दिखा पाऊँगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा। देखिए इसका कनेक्शन थोड़ा हट गया है इसलिए फॉल्टी दिखा रहा है। मैं दोबारा इसको थोड़ा ये कर देता हूँ। देखिए 6 डिग्री मैंने इसको सिग्नल दिया हूँ, 6 डिग्री की टेम्परेचर सिग्नल दिया हूँ, तो आप इसमें 595 समथिंग दिखा रहा है जो 11। देखिए अभी 900 इसमें दे रहा हूँ। अभी इसमें आपको धीरे धीरे बढ़ेगा इसका टेम्परेचर,
769, अभी देखिए 866.05 और 15.54, ऐसे ही धीरे धीरे इसका सिग्नल बढ़ता है। जब कांस्टेंट हो जाता है तो आपको उसी रीडिंग को नोट करके आपको रखना है, उसके बाद आपको जीरो ट्रिम करना है और उसका सेटिंग भी आपको सब कुछ करना है। ऐसे इसका कैलिब्रेशन किया जाता है। और भी ज़्यादा वीडियो के लिए और भी ऐसे टेक्निकल रिलेटेड वीडियो आपको देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।